शुक्र है भगवान का कि आज मेरी बेटी की शादी तय हो गई। अब बस पैसे की चिंता है, पैसे पता नहीं कहाँ से कैसे करूँगी, क्या करूँगी। शादी दिन पे दिन मेरे सिर पे आती जा रही है, क्या करूँ। इनके पापा भी यहाँ नहीं हैं, वो बाहर दुबई गए हुए हैं और 5-6 साल हो गए, पता नहीं कहाँ हैं। कोई ना खबर, ना कोई फ़ोन, ना कोई चिट्ठी। 6 साल हो गए इंतज़ार करते करते। अब जाके मैंने अपनी बेटी की शादी तय की है, अभी भी कोई खबर नहीं है। और दहेज देना है, लाखों रुपए देने हैं, सामान ये सब लेना है, पता नहीं कहाँ से होगा कैसे होगा। मैं बहुत परेशान हूँ, पता नहीं कैसे करूँगी। सारा काम करना है, लाखों रुपए मुझे दहेज में कैश भी देना है, पता नहीं कैसे होगा। हाँ, मैं एक काम करती हूँ, मैंने सुना है जमींदार सबकी मदद करता है। मैं फिर गांव वाले जमींदार के पास जाती हूँ, वो शायद मेरी भी मदद कर दे। अब मेरी बेटी की शादी हो जाएगी, फिर मैं उसे धीरे धीरे सब दे दूँगी। ठीक है, ये ठीक रहेगा, यही ठीक रहेगा। इसके पापा का तो कोई पता है नहीं अभी, तो क्यों ना मैंने उससे ही मदद ली जाए। चलो अपनी बेटी के साथ जमींदार के पास चलती हूँ, कुछ भला हो जाए मेरा। यार इसको अभी तक पैसा नहीं दिया ये, तो फोन लगाऊं मैं? हेलो, अरे रामेश्वर। जी साहब जी। अरे तूने पैसा नहीं पहुंचाया अभी तक? साहब जी मैं क्या बताऊं, पैसा मुझे मिलने वाला था एक जगह से। और क्या मिलने वाला यार, तुम लोग क्या ड्रामा मचा रहे हो। मालूम है तुमको ब्याज कितना रुपए लगाऊंगा मैं इस महीने का? साहब जी एक महीने का और टाइम दीजिए ना। इस महीने का तुम्हारा ब्याज 10% है, समझा? साहब जी वो तो मैं समझ रहा हूँ। वो कुछ नहीं जानता हूँ मैं, तुम्हारा ब्याज 10% है इस बार, और 10% तुम्हें देना पड़ेगा। और नहीं जब देगा तो मालूम है ना मैं क्या करता हूँ, तुम अपने जोड़ू को मेरे घर पे भेजना पड़ेगा एक रात के लिए, समझा? साहब जी माफ कर दीजिए ना, एक महीने की तो बात है। तुम साले ऐसे ही रहेगा, तुम लोग साले नीच का आदमी साले नीच ही रहेगा। साहब जी कुछ नहीं है, सुन इधर, आज रात को थोड़ा मन खुश करने के लिए ना अपने जोड़ू को भेज देना, समझा? साहब जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? कुछ नहीं सुनता हूँ, देख हरिया ने अपनी बीवी को भेजा था, समझा? आज तेरी बारी है, रात को आज भेज दियो, समझा? चल ठीक है, रख। साला ये जब सब रहेगा ना तब तक हमारी जमींदारी चलते रहेगी और शरीर का थकान भी दूर होता रहेगा। कोई नहीं। ए रामू क्या कर रहा है रे? आया बाऊजी, आया आया बाऊजी, आया। मर गया क्या तू? अरे क्या हो बाऊजी, कहाँ था तू? बाऊजी थोड़ा सा किचन में काम कर रहा था। किचन में काम कर रहा है तू? बोली बाऊजी एक आवाज पे यहाँ पे हाजिर होना चाहिए, समझा कि नहीं समझा? नहीं समझ गया बाऊजी। हाँ और सुन जी बाऊजी, और वो रुपेश को तूने पैसा दिलवाया था वो समय पे ब्याज नहीं आया। बाऊजी वो गांव चला गया ना, वो आते ही पैसा दे देगा आपका। अरे रामू तू देख कितना गिराया था उसके पैसे के लिए, तभी मैं पैसा दिया। मालूम है ना कि बिना मैं बन की किसी का कुछ रखे हुए मैं अपने बाप को भी ब्याज नहीं दूंगा, समझा? बाऊजी दे देगा वो, आते ही दे देगा, अगले महीने आ जाएगा वो। चल ठीक है, और जाके तू उससे पैसा वसूल के लिया। और देख इधर, ये देख ध्रुव को पैसा दिया था वो भी नहीं पहुंचा है, जाके उसके यहाँ जा और तगादा करके आ 2-3 आदमी लेके, समझा? ठीक ठीक है भाजी, मैं अभी जाता हूँ। समझ गया ना? समझ गया। हाँ तो ठीक है जा।
जमीला साहब नमस्ते। नमस्ते। अरे तुम तो केदार की बीवी हो ना? हाँ जी साहब, मैं केदार की बीवी हूँ। अच्छा अच्छा, कैसे आना हुआ यहाँ? साहब पैसे चाहिए, ये मेरी बेटी है और तो है नहीं काफी टाइम से। हाँ हाँ, मुझे पता चला था। अभी तक उनका कोई ना कोई फोन वोन ना कोई खबर ही नहीं मिल रही है। तो मेरी बेटी है, उसकी शादी पक्की हो गई है, तो उसके लिए पैसे चाहिए। और लड़के वाले भी 1,00,000 रुपए मांग रहे हैं, कैश चाहिए उन्हें और फिर सामान ना भी लेना है। और पैसों की बड़ी, अरे कोई बात नहीं, चिंता मत कर तू। शादी के तू आई है अच्छे जगह पे। ठीक है, बैठ नीचे बैठो बैठो। या आई है, पैसा तुम्हारा मिल जाएगा तुम्हें। अच्छा, अरे तुम्हारी बेटी है ये? हाँ जी साहब। अरे उस समय बहुत छोटी थी ये। हाँ, आप काफी साल हो गए, नहीं भी गए, काफी टाइम हो गया आप। ये जवान हो गई काफी। हाँ जी। कहाँ शादी तय की है? शादी इधर हरियाणा में ही की है। अच्छा, हरियाणा के गांव में? हाँ जी। ठीक है ठीक है, कोई ना, मिल जाएगा तुम्हें पैसा। लेकिन तुम जानती हो कि हमारे यहाँ का एक रूल है। क्या रूल है? रूल ये है कि समय समय पे पैसा देना पड़ेगा। ठीक है साहब, समझी। समय पे हमको ब्याज चाहिए, क्योंकि हम तो ब्याज का काम करते हैं। तो अपनी बिटिया का शादी कर देना आराम से, समझी। अच्छा ये लो पैसा, लो पूरा 1,00,000 रुपया है। अच्छा पानी लाया। अच्छा हाँ सुनो, तुम्हारी बेटी का कब शादी है? 3 महीने रह गए हैं साहब जी, अभी देखो काम बहुत सारे हैं, 3 महीने तो यूँ ही निकल जाएंगे। भला हो आपका कि आप ही हमें पैसे दे। चल कोई ना, 4th महीना सुधा दियो पैसा। ठीक है, जा जा। धन्यवाद बाबू। हाँ ठीक है, जा। नमस्ते। रामो जी। भाजी पहले। अच्छा एक भाजी, एक बात बताएंगे आप मेरे को? हाँ बोलना। आपने उनको इतने पैसे दे दिए 1,00,000 रुपए एक बार में ही, और आप रुपेश को कहते रहते कि बार बार उसे पैसे मांग के ला, पैसे मांग के ला, मैंने दिलवा दिया था। अरे पागल, तू समझदार नहीं है तू। सर ये लोग पैसा नहीं दे पाएंगे वापिस। अरे तू टेंशन मत ले, मैं मुझे पता है कि पैसा कैसे निकालना है, समझा। और सुन, मुझे भी पता है कि ये 3 महीना में पैसा नहीं सधाएगा। मैं शादी के ठीक 2 दिन बाद जाऊंगा और अपना पैसा मांगूंगा। पैसा देना पड़ेगा उसको, या पैसा जब नहीं दिया तो या तुम माँ या उसकी बेटी, समझा कि नहीं समझा? बहुत कमीने हो सर। क्या बोला रे? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं भाजी, अभी मैं जा रहा हूँ, थोड़ा किचन में काम चाय हुए है, मैं आता हूँ लेकर। आप चल ठीक है, ये ले, ये भी लेके जा, मैं भी आता हूँ, लेके जा। चलो चलता हूँ। काम तो हो गया मम्मा ना। चलो जमींदार साहब ने 1,000,000 रुपए दे दिए, उनसे आप शॉपिंग वगैरह कर लेते हैं, गहने वहने खरीद लेते हैं, हमारा काम आसान हो जाएगा। और देखते हैं और क्या होता है। ठीक है ठीक है मम्मा, अब चले। चलो हाँ चलो, हो गया काम। रोते नहीं है बेटा, देखो सबको जाना होता है एक दिन अपने घर। ठीक है, रोने से कुछ नहीं होता, खुश होकर जाना चाहिए। मम्मी आपको इतना जल्दी मेरा शादी नहीं करना चाहिए, देखो आप भी अकेले हो। मैं कितने दिनों से इंतजार कर रही, तेरे पापा आएंगे आएंगे, अब नहीं आए तो बता, करनी तो है ही ना। मेरे जाने के बाद तो आप भी अकेले हो जाओगे ना। तो कोई बात नहीं, सभी को अकेला रहना पड़ता है और सबको अपने घर जाना है। रोने से कुछ नहीं होता, रोना नहीं है, रोना नहीं है। देखो तुम तो बहादुर हो, ऐसा थोड़ी होता है। हम आप कैसे अकेले जिंदगी काटोगे मम्मी? अरे आते जाते रहोगे, कोई जरूरी थोड़ी है कि मैं अकेली क्यों रहूंगी। तुम आते जाते रहोगे। शादी के बाद पता नहीं कैसा होगा कैसा नहीं होगा, मिलने भी देगा कि नहीं देगा, मुझे क्या पता मम्मा। अरे क्यों नहीं मिलने देगा, ऐसा क्यों सोचते हो? हमेशा अच्छा सोचना चाहिए।
सब अच्छा होगा, ठीक है? रोते नहीं है, चुप हो। मैं भी तो आपके साथ रह सकती थी ना। जब शादी हो जाएगी तो तुम आ जाना मेरे पास, मैं तुम्हें बुला लूँगी जल्दी से। मम्मा मैं आपके बिना कैसे रहूँगी? अरे रह लेंगे, नहीं रह पाऊंगे मम्मा, मैं आ जाना मेरे पास मैं तुम्हें बुला लूँगी, यहीं रहेंगे, मेरे पास ही रहना ना। पता नहीं मिलने भी देंगे कि नहीं, आपका हाल चाल भी लेने देंगे कि नहीं, मुझे नहीं पता मम्मा। ऐसा कुछ भी नहीं होता, इतना मत डरो, ठीक है? सब अच्छे होते हैं। छोटी थी तभी तो पापा आपको छोड़ के चले गए हैं, अभी तक नहीं आए, एक बार भी हाल खबर लेने के लिए नहीं आए। कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, तो इसमें चिंता की क्या बात है, मैं हूँ अभी, तू चिंता मत कर, मैं तुझे बुला लूँगी। आज पापा भी होते तो कितना अच्छा लगता मम्मा। हाँ मुझे मालूम है, वो होते तो और ही खुशी होती। आप अकेले कितना कैसे कैसे क्या क्या कर रहे हो। सब ठीक हो जाएगा, कोई बात, सब ठीक हो जाएगा, रोना नहीं है, रोना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? मेरी बहादुर बेटी, तू तो मेरी बहादुर है ना, बहुत अच्छी है। कोई नहीं, आते जाते रहेंगे, मिलते रहेंगे। अरे मुझे ही पता है कि पैसा नहीं देगी, उसके आज से दो दिन बाद उसकी लड़की की शादी है और यही मौका है पैसा मांगने का। जब वो पैसा नहीं देगी तो कुछ तो उसको करना पड़ेगा, जैसे आपने एक दिन उनको बताया था। हाँ हाँ, उसकी मम्मी को संभालना और बाकी उसकी जवान बेटी को मैं संभाल लूँगा, समझा? चल बस। अच्छा मालिक नमस्ते। हाँ जी, उपटन की रस्म चल रही थी। अच्छा, उपटन लगा रही थी। हाँ जी। अरे मालिक को बैठाओगी नहीं तुम? हाँ जरा भैया ला देना, वो कुर्सी ला देना, मालिक के लिए दे दो। सही है, तो सही रस्म सही से चल रहा है ना साहब? हाँ जी सब सही चल रहा है। साहब जी हाँ, हुआ मालिक आप आ गए। अच्छा ऐसे टाइम पे अच्छा है, कोई दिक्कत उक्कत नहीं ना है? मुझे बहुत खुशी हुई है आप आए। अच्छा बैठो, नीचे बैठो। आना तो हुआ, मुझे बता रहा हूँ। देखो तुमने तो 3 महीना का समय ली थी जी। और वो 3 महीना हो गया जी, मालूम है। अभी तो मेरी बेटी की शादी। अरे हाँ मुझे मालूम है, 3 महीना का ब्याज हुआ 30,000 रुपया, वो अभी तक मिला नहीं मुझे। अब ब्याज के मामले में मैं बहुत खड़ा रहता हूँ। हाँ हमारे मालिक ऐसे ही हैं। तुमने क्या बोल के लाई थी कि हर महीने ब्याज दे देंगे? 3 महीना हो गया, 3 महीने से तुमने ब्याज दी नहीं। मालिक मेरी बेटी की शादी है। अरे तो शादी है तो मैं तुमको पैसा दिया ना, लेकिन मुझे तो ब्याज चाहिए ना। हाँ साहब मुझे पता है, लेकिन क्या है काम में झंझट में मैं ऐसी। तो तुमने तो बोल के आई थी कि हर महीने ब्याज दे देंगे समय से। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, मुझे आज 30,000 रुपया चाहिए। अब 30,000 रुपया ला के तुम कहीं से दो? आज कहीं से लाऊंगा। ये कौन सा बात हो गया साहब? अब बताओ मैं शादी करूँ या आपके पैसों का इंतजाम करूँ? मैं खैरात में पैसा नहीं दिया हूँ, थोड़ी सी मोहलत और दे दो। मैं खैरात में पैसा नहीं दिया हूँ, मोहलत नहीं देने जा रहा हूँ। हमको आज ब्याज चाहिए तो चाहिए, ब्याज मुझे चाहिए। पर साहब आज कैसे बताओ? सुनो, शादी की तैयारी करूँ या ब्याज नहीं देगी तो मालूम है ना मैं क्या करता हूँ, मालूम है ना? चल इधर आ। सुन, आज से 6 साल पहले तुम अपने पति के साथ आई थी, तो याद है? हाँ याद है। जब तुम्हारा पति पैसा नहीं चुकाया था तो एक रात तुम मेरे पास सोई थी। अब तो तुम्हारे में वो बात नहीं रहा कि तुम्हारे साथ हम कुछ मस्ती कर सके। अब एक वो ऑप्शन है तुम्हारे पास। क्या? देख, तू अपनी बेटी को ना एक रात के लिए भेज दे। क्या बात कर रहे हो साहब, कल दो दिन बाद उसकी शादी है। अरे तो दो दिन बहुत टाइम होता है पागल। और तो ब्याज के लिए आप पता क्या? अब देख ले, अब तेरे पास यही ऑप्शन है, या तो तू अपनी बेटी को एक रात के लिए भेज या मेरा अभी पैसा दे। मुझे अभी पैसा चाहिए। ऐसे कैसे हो सकता है, कोई हम कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। सुनीता
किसी को कानो कान पता नहीं चलेगा। और अभी अगर तेरी बेटी का शादी नहीं हुआ ना, तो पूरा गांव में तुम्हारा बेइज्जती हो जाएगा, समझी कि नहीं समझी? तो ऐसा काम कर, तू अपनी बेटी को भेज दे। साहब ऐसे कैसे हो सकता है? फिर तू वही वाली बात कर रही है, समझा रहा हूँ तुमको, समझ में नहीं आ रहा है? साहब ऐसे कैसे हो सकता है? अब देख, हम अपने आप पे आ जाएंगे ना, तो हम तुम्हारी बेटी को जबरदस्ती ले जाएंगे। पर साहब मैं ऐसे नहीं होने वाली, आपके दो थोड़े आगे 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 दे दो मुझे, मैं दे दूंगी आपके पैसे। अब मैं तुम्हारी लड़की को ले जा रहा हूँ। अरे साहब ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। अरे हम पकड़, ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही करते हैं हम, ऐसे ही करते हैं। छोड़ छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, बिट्टू को लेके जा रहा है। छोड़ दूंगा छोड़ दूंगा, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या तुम चाहती हो? अगर तुम चाहते हो तुम्हारी बेटी को मैं छोड़वा दूं, यानी कि उस मालिक से बचवाना है आपको, एक काम करो, जो मैं बोलता हूँ वो काम करोगी? क्या बता, ठीक है जो बोलेगा वो करूँगी, सब बता क्या करना है। समझ जाओ, समझदार तो ही हो तुम। ठीक है, लेकिन मुझे अभी तो मुझे अपनी बेटी को बचाना है ना। कुछ वो देखो, मेरे पास बचाने का एक ही उपाय है, वो अच्छे से मैं बचाने आता है मुझे, लेकिन तुम मुझे बताओ तुम रेडी हो ना? हाँ मैं तैयार हूँ, तू जो बोलेगा मैं वो करूँगी, जैसे कहेगा वैसे करूँगी, लेकिन फिलहाल तुम मुझे जमींदार से बचा, मेरी बेटी को उससे बचाना है मुझे, तू कुछ सोच क्या करना है? मुझे पता है उस तुम्हारी बेटी को कैसे बचाना है, बस एक रात के लिए तुम मेरी हो जाओ। हाँ ठीक है, मैंने बोल दिया तुझे, मैं तू जो बोलेगा मैं वो करूँगी, पर तू मुझे अभी है ना जमींदार से बचा मुझे प्लीज़, मेरी बेटी को, मुझे कल 2 दिन बाद शादी है, हमें क्या करना है उसका, तू जो बोलेगा मैं वो करूँगी, पर तू अभी तो फिलहाल मुझे जमींदार से मेरी बेटी को बचा ले। ठीक, चल चल, छोड़िए मुझे। बहुत ब्याज पे पैसे देता था ना, और ब्याज पे पैसे देके लोगों के साथ गलत करता था, जो लोग वापस नहीं लौटा पाते थे, बहुत दूसरे के साथ मजे लेता था ना। अब तो मैं केदार की बीबी के साथ मजे लूंगा, मजा आ जाएगा। तुमने मुझे मारा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मम्मा अच्छा हुआ ये दोनों मर गए। चलो यहाँ से, चलो यहाँ से भाग, चलो चलो।